हेलो एवरीबॉडी, सो दिस इज अ शॉर्ट कैप्सूल जिसमें मैं आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ कॉस्ट से रिलेटेड। और मैं आपको बता दूं, आज मैं आपसे मिल रहा हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जो कि बच्चों को बहुत दिक्कत देता है सम्स में, और वो है स्लैब फिक्स्ड कॉस्ट। सर, ये स्लैब फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, कैसे हम इसको समझें और किस तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा बताइएगा जरूर। सबसे पहले, स्लैब फिक्स्ड कॉस्ट इज अ टाइप ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। मैं आपको बता दूं, ये एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। इसका मतलब ना तो ये पूरा वेरिएबल इन नेचर है, ना तो ये पूरा फिक्स्ड इन नेचर कॉस्ट है। इसमें हमारे कुछ हद तक फिक्स्ड कॉस्ट तक का नेचर देखने मिलता है, और उसके बाद एक सर्टेन लेवल के बाद द कॉस्ट गोज चेंजिंग। तो वो जो तरीके के कॉस्ट होते हैं उसको हम स्लैब फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। सर, एक साधारण एग्जाम्पल से समझाइए। सबसे ग्रेट एग्जाम्पल रहेगा अपने टैक्सी का फेयर। आप बस में ट्रैवल करते हो, आप टैक्सी में ट्रैवल करते हो, आप मेट्रो में ट्रैवल करते हो, तो वहां पे आप देखते होंगे कुछ इस तरीके के एग्जाम्पल। जैसे देखिए, मैंने आपके आगे प्रस्तुत किया है, विच इज अगर मैं आपको एक एक्स एक्सिस में किलोमीटर नाप के दूं और वाई एक्सिस में अगर मैं आपको उसका कॉस्ट नापूं, तो अपने जब पहली बार मैं कलकत्ता की अगर बात करूं तो येलो टैक्सी में बैठते हैं, तो येलो टैक्सी में 2 किलोमीटर तक के रेंज में अगर आप कहीं भी जाते हो तो आपके लिए एक सेम कॉस्ट लगता है, विच इज 30 रुपीज फॉर 2 किलोमीटर्स। फर्स्ट टू किलोमीटर्स में आप जैसी टैक्सी में बैठते हो, अगले 2 किलोमीटर तक वो मीटर का सुआ वहीं पे 30 पे अटका हुआ रहेगा, वो नहीं बढ़ता। बट जैसे ही 2 किलोमीटर क्रॉस होता है, वो सेटैक्स से, मैंने वो वर्ड बोला सेटैक्स से, मतलब एकदम वहां से जंप करके सीधा 32.5 होता है, और अगला 200 मीटर तक वो वही रहता। मतलब सर कि अगर आपका घर आपके सेंटर से मान लो 2 किलोमीटर और 100 मीटर आगे है, यानी 2.1 किलोमीटर आगे है, तो क्या आप 30 रुपए दोगे कि 32.5 दोगे? सर ऑफ कोर्स 32.5 देंगे, बट ये 32.5 सर आपने तो बोला अगले 200 मीटर तक का है, तो क्या हम ये बोले कि हम 100 मीटर का प्रोपोर्शनेट कॉस्ट देंगे? बिल्कुल नहीं। ये अगले 200 मीटर तक आपके लिए 32.5 होने वाला है, यानी कि अगर आप 2 किलोमीटर क्रॉस करते हो, अब चाहे आप अगले 200 मीटर तक कहीं भी उतरो, आपके लिए कॉस्ट 32.5 लगेगी। सेम गोज फॉर अनदर 200 मीटर्स। अगले 200 मीटर के लिए सीधा ये वापस 2.5 रुपये से बढ़ के 35 हो जाएगा, एंड गोज ऑन इंक्रीजिंग लाइक दिस। इस तरीके से हम जब कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि बस मेट्रो में चढ़ते हैं, वहां भी कुछ इस तरीके के ही कॉस्टिंग के तरीके होते हैं कि आप अगर 3 मेट्रो तक भी जा रहे हो, 4 मेट्रो स्टेशन तक अगर कवर कर रहे हो, तो एक फ्लैट रेट है 10 रुपये। बट जैसे ही आप वो 4th मेट्रो क्रॉस करते हो और आप नेक्स्ट 3 मेट्रो स्टेशन तक जाते हो, तो आपका रेट 15 रुपया हो जाता है। तो क्या आप ये बोलते हो उसको कि आप सपोज यहां से मान लो मैं एमजी रोड में, सेंटर हमारा एमजी रोड से, अगर मेरा मैं जा रहा हूं चांदनी चौक की ओर, तो चांदनी चौक जाने में एमजी रोड से हम देखते हैं बीच में हमारे लिए सेंट्रल आता है और उसके बाद हमारा चांदनी चौक आता है, तो क्या ये 2 मेट्रो स्टेशन तक अगर 10 रुपया है और एस्प्लेनेट में मान लो ये 15 रुपया हो जाता है और पार्क स्ट्रीट में भी 15 रहता है, तो क्या मैं ये बोलूं कि सर आप 10 रुपया ले रहे थे हमसे चांदनी चौक तक का और आप 15 रुपया ले रहे हो एस्प्लेनेट का, तो हमसे पार्क स्ट्रीट में प्रोपोर्शनेट ले लो? बिल्कुल नहीं। ये चांदनी चौक क्रॉस होते ही आपको 15 रुपया देना पड़ेगा, चाहे आप पार्क स्ट्रीट जाइए चाहे आप एस्प्लेनेट जाइए। और आप बेवकूफी नहीं करेंगे कि आप जबरदस्ती एस्प्लेनेट चले जाओगे, अब उस चक्कर में आपको उतरना पार्क स्ट्रीट है तो भले ही 15 रुपया है बट आप पार्क स्ट्रीट उतरोगे। आप ये नहीं बोलोगे यार 15 रुपया दिया है पूरा मजा तो ले एस्प्लेनेट तक तो जाए और उसके बाद वापस 5 रुपया देके पीछे आना, तो ये तो बेवकूफी नहीं करेंगे ना सर? बिल्कुल नहीं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लैब फिक्स्ड कॉस्ट, और इसके अदर नेम्स होते हैं स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट और लैडर फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि आप देख सकते हैं ये एक सीढ़ी की तरह, स्टेप की तरह बढ़ रहा है और ये एक लैडर की तरह, एक सीढ़ी की तरह है, हेंस इसको हम स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट या लैडर फिक्स्ड कॉस्ट भी बुलाते हैं। इसके एप्लीकेशन अगर मैं सम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, अगर मैं आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, तो सीए इंटर सीएमए इंटर में ये मार्जिनल कॉस्टिंग के ब्रेक इवन पॉइंट के सम्स में बहुत काम आता है और फ्लेक्सिबल बजट बनाने के बहुत काम आता है। जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैंने इकट्ठा किया आपके लिए, जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट पूरे साल का
50,000 रुपया है अगर कैपेसिटी, यानी जो हम जिस क्षमता पे काम कर रहे हैं वो 50% के विदिन है, यानी 50% तक, अगर मैं आपको अगेन डायग्राम बनाऊं तो 50% तक कैपेसिटी अगर यहां है और यहां अगर कॉस्ट है, तो 50% कैपेसिटी तक हमारे कॉस्ट सीमित है कितना तक सर, 50,000 रुपए साल के। तो अगले ऐसे क्या हो रहे हैं 50,000 के ऊपर सर, नेक्स्ट 50,000 के बाद ये जो 50% पे हमारा खर्चा हम देख रहे हैं, बोल रहे इट इंक्रीजेस बाय 5,000 फॉर एवरी 10% इंक्रीज इन कैपेसिटी, यानी अगर कैपेसिटी 10% से बढ़ता है तो कॉस्ट 5,000 से बढ़ जाएगा, और एक और वर्ड पढ़िएगा और पार्ट देयर ऑफ, इट मींस ये कॉस्ट एक फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है क्योंकि यहां इंक्रीज हो रहा है कैपेसिटी चेंज होने से, और ना ही ये वेरिएबल कॉस्ट है क्योंकि ये प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज नहीं हो रहा है, हेंस इट इज अ टाइप ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट व्हिच इज स्लैब फिक्स्ड कॉस्ट। और अगर मैं अब इसकी बात करूं तो ये पार्ट देयर ऑफ का बात होता है कि सर 10% से इंक्रीज करें या 10% के विदिन कितना भी इंक्रीज करें, हमारा फ्लैट 5,000 से इंक्रीज हो जाएगा कॉस्ट। इसका मतलब अगर 50% का 51% होता है, 50.5% होता है या 60% तक जाता है, यानी नेक्स्ट 50-60% तक हमारा कॉस्ट 5,000 से बढ़ जाएगा, यानी हमारा कॉस्ट लगेगा 55,000। ये जो मैंने 55,000 निकाला है ये 50 से लेके 60 के बीच के लिए है, यानी अगर हमारी कैपेसिटी 50 से 60 के बीच में रहती है तो हमें 55,000 खर्चा करना होगा फिक्स्ड कॉस्ट। पार्ट देयर ऑफ का मतलब यही हुआ कि 10% से बढ़े या 10% के अंदर कितना भी बढ़े हमारा 5,000 से कॉस्ट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट 60 के बाद 70 तक आप समझ सकते हो ये कॉस्ट कितना लगने वाला है सर, ये 60,000 लगने वाला है। तो ऐसे हमें मांगा गया है 80 पे, 85 पे, 95 पे। 80 पे कितना हो जाएगा सर, 80 पे अगर मैं बात करूं तो 80 पे ये चला जाएगा नेक्स्ट स्लैब पे विच इज 65,000। तो आंसर फॉर 80% इज 65,000। 85% मतलब ये नेक्स्ट स्लैब में चला गया। 85 ऑल्दो 80 और 90 के बीच में है बट आप इसका प्रोपोर्शनेट कॉस्ट मत निकाल लेना, ये सीधा फ्लैट 5,000 से बढ़ के 70,000 हो जाएगा। आप ये मत बोलना सर वो तो 90 तक का था तो 85 तक का हम 65 को सिर्फ 2,500 से बढ़ाएंगे, नो आप पूरा का पूरा 5,000 से बढ़ाएंगे क्योंकि वो पार्ट देयर ऑफ के लिए भी उतना ही है। तो कमेंट करके बताएंगे सारे बच्चे, मुझे को सारे बच्चों से आंसर चाहिए। अगर ये कंसेप्ट समझ में आया और अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे को 95% पे आंसर कितना होगा ऑप्शंस में लिख के बताइए, मैं देखना चाहता हूं कितने लोग करेक्ट आंसर देते हैं। कमेंट बॉक्स में प्लीज अपना कमेंट छोड़िए। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, टाटा बाय बाय।